प्रेमिद्या मंदिर इंडिया स्कूल से मैं किशोर सर आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 12 के लिए विषय नामांकन मध्य प्रदेश में। मैंने विशिष्ट उदाहरण आपको पॉइंट नंबर 11 स्टार्ट कर दिया था जिसके दो एग्जांपल हमने पढ़े थे। आज एग्जांपल है वो तीसरा एग्जांपल है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो तीसरे एग्जांपल में सबसे पहले आपको दिया हुआ है पेज नंबर 16 पे लिखा ये है कि भाई जय सुरेश और पंकज लाभ वितरण का प्रमाण 6:2:3 में बांटते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आपके पास है जयेश, सुरेश और पंकज, ठीक है। इनकी लाभांश का प्रमाण लाभ हानि वितरण का प्रमाण और वो आपको दिया हुआ है 6:2:3। आगे बोल रहे हैं मैनेजर को उसका कमीशन कटाने के बाद के लाभ का 10% कमीशन जो है वो 6,600 रुपए होता है। तो मैनेजर का कमीशन बराबर 6,600 रुपए है जो 10% है। कितना परसेंट है? 10%। हमें फाइंड करना है वितरण पात्र लाभ। क्या फाइंड करना है? वितरण पात्र लाभ और तीनों सहायताओं का लाभ हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं यदि 10% कितना है 6,600। यहाँ पे लिखा है लाभ और ये है कमीशन। तो यदि लाभ आपका कमीशन आपको मिला 10% लाभ 100 रुपए है। यदि कमीशन होता है 6,600 रुपए तो लाभ कितना? तो लिखेंगे वितरण पात्र लाभ बराबर 6,600 × 100/10 यानी आपको मिल जाएगा 66,000 रुपए। आपका लाभ कितना आ गया? 66,000 रुपए। अब हमें लाभ बांटना है। सबसे पहले जयेश का लाभ, तो जयेश का लाभ कैसे बांटेंगे? हमारा 6,600 × 66,000 × उसका अनुपात है 6:6 कितने हो रहे हमारे 11। तो आपका जो 1,000 रुपए है कितने रुपए आएंगे? 36,000 रुपए। कितने 1,000 रुपए आएंगे? 36,000। कैसे? 11 और 6 से कट जाएगा तो 6×6 = 36,000 रुपए आपको मिलेंगे। उसके बाद में आपका सुरेश का लाभ 66,000 × उसके परसेंटेज है 2/11, 11 से 6 हो गया 12,000 रुपए। और तीसरा आपके पास है पंकज का लाभ, तो पंकज का लाभ 66,000 × 3/11 = 11 से 6/18,000। इस प्रकार से तीनों का लाभ, जयेश का लाभ 36,000, सुरेश का लाभ 12,000 और पंकज का लाभ 18,000। इस प्रकार से आपका सवाल खत्म हुआ। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 मुझे दिया हुआ है कि शीला, शुभ्री और सीमा, शीला, शुभ्री और सीमा 5, 7, 9 के अनुपात में लाभांश बांटने का सहायता है। लाभ हानि प्रमाण 5:7:9 के अनुपात में लाभांश बांटने का सहायता। मैनेजर साकेत को उसका कमीशन कटाने के बाद शेष लाभ पर 10% कमीशन दिया जाएगा। सुरभि का लाभ उन्हें 7,000 मिल गया, यानी आपको वितरण पात्र लाभ जो है सुरभि का 7,000 रुपए हमको दे दिया। हमारे पास सीला का लाभ नहीं है और सीमा का भी लाभ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है वितरण पात्र लाभ। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे
कि यदि सुरभि का प्रमाण 7 है और लाभ उसका कितना हो रहा है 7,000, तो कुल लाभ कितना होगा? तो प्रमाण और लाभ, प्रमाण है 7 तो लाभ है 7,000। यदि प्रमाण 21 होता, 21 कैसे, 5 और 7 और 9 तीनों मिला के 21, तो लाभ कितना होता है? तो हम लोग लिखेंगे वितरण पात्र लाभ बराबर 7,000 21 भाग में 7। तो आपको जो है अमाउंट मिल जाएगी, इस टोटल अमाउंट होगी आपकी 21,000 रुपये। कितना हो रहा है? 21,000 रुपये जो है आपका वितरण पात्र लाभ आपको मिलेगा। अब आपको फाइंड करना है क्या, कमीशन। तो मैनेजर का कमीशन बराबर 21,000 गुणा 10% है तो आ जाएगा 2100 रुपये। ये पहली वैल्यू। फिर कमीशन के पहले का लाभ बराबर वितरण पात्र लाभ प्लस कमीशन। तो वितरण पात्र लाभ 21,000 रुपये प्लस कमीशन जो है 2100 रुपये, तो हो जाएगा 23,100। इस प्रकार से आपको कमीशन से पहले का लाभ मिल जाएगा। मैं आपको उदाहरण इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जैसे ही आप इस प्रकार के उदाहरण सॉल्व करना सीख जाओगे, उसके बाद स्वाध्याय इस प्रकार के उदाहरण से आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो है आपका उदाहरण नंबर 5। यहाँ पे आपको 3 साझा मिलेंगे, रिया, दिलीप और कीर्तन। रिया, दिलीप, कीर्तन। तो लिखा क्या है कि कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग। मान लो दिलीप का हिस्सा है 1, ठीक है, तो कीर्तन को दिलीप के हिस्से का कितना भाग? 5वां भाग, माने कि 1 गुणा में 1/5, तो आंसर आपका हो जाएगा 1/5, ठीक है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग, मान लीजिए दिलीप का अनुपात 1 है और इसका भाग 5वां भाग इसको देते हैं, तो 1 गुणा 1/5 भाग दिया। और रिया को कीर्तन के हिस्से का दूसरा भाग, रिया को कीर्तन के हिस्से का दूसरा भाग, तो कीर्तन का हिस्सा कितना है? 1/5 है, उसका दूसरा भाग 2 यानी कि 2/5। तो हमें क्या पता चला, रिया का भाग हमको मिला 2/5 और कीर्तन का भाग मिला मुझे 1/5 और दिलीप का है 1/1 कुछ भी ना हो। अगर मुझे इसके हर समान करने तो गुणा कितना करना पड़ेगा? 5/5, तो हो जाएगा 5/5। तो यानी हमको क्या पता चला कि तीनों का अनुपात क्या आता है? 2, 5 और 1। अगर मैं तीनों को वापस मिटा दूं तो अनुपात मिलेगा मुझे 2, 5 और 1। तीनों अनुपात का ये हमारा है लाभ, हानि, वितरण का प्रमाण। तो आपका प्रमाण मिला 2:5:1। अब आपको लिखना है वितरण पात्र लाभ। वितरण पात्र लाभ आपको कितना दिया हुआ है? 1,92,000। अब आपको तीनों को लाभ बांटना है। रिया का लाभ बराबर 1,92,000 गुणा रिया का अनुपात 2, 2, 5, 7 रहेगा, तो ये आपकी अमाउंट हो जाएगी 48,000 रुपये। दूसरा दिलीप का लाभ बराबर 1,92,000 गुणा
1,20,000 और आपको कितने में मिलेगा? बराबर 1,92,000 गुणा 1/8 तो आपको मिल जाएगा इसमें 24,000 रुपए। इस प्रकार से मैंने आपको 3 सवाल करवाए, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। उदाहरण नंबर 6 क्या लिखा है कि भाई मिलिंद, हेमंत और रसिक ठीक है ने साइलर पेड़ी का 1,89,000 लाभ 2:1:2:4 के अनुपात में बांटने के बदले भूल से समान अनुपात में बांट दिया, ठीक है। सबसे पहले तो आपका लाभ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लाभ आपका है 1,89,000, ठीक है। इसको बांटना था, सही अनुपात कितना था 1:2:4 और उन्होंने बांट दिया आपको गलत अनुपात जो आपका था 1:1:1। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लाभ का सही बंटवारा, जो आपका है 1:2:4 में। इसको आपको 1, 2 और 4 में बांटोगे तो आपको मिलेगा 27,000, उसके बाद मिलेगा 54,000 और फिर मिलेगा आपको 1,08,000, ठीक है। अब दूसरा लाभ का गलत बंटवारा, जो आपको 1:1:1 में बांट दिया, तो 1,00,000 आपको 89,000 को गलत बंटवारा में बांट दिया था तो आपको मिलेगा ज्यादा 63,000 और 63,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अमाउंट फाइंड करके देखिए। तो 27,000 से 63,000 जाएंगे तो -36,000, ठीक है। अगर 54,000 से 63,000 जाएंगे तो -9,000, ठीक है। और जब 180 में से 63,000 जाएंगे तो प्लस में आपको आएगा 45,000। जो प्लस में आता है उसको हमको जमा करना होता है, माइनस में आता है उसको उधार करना होता है, तो 2 आपको जन उधार मिलेंगे, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, रूल ग्राफ बनाना है। रोज नाम 4 और उसमें क्रम विवरण खाता पृष्ठ नंबर उधार रकम और जमा रकम। तो उधार आप किसको लेंगे, पहले सबसे पहले मिलिंद पूंजी खाता उधार 36,000 रुपए, फिर हेमंत पूंजी खाता उधार 9,000 रुपए और रसिक पूंजी खाते का आपको मिलेगा 45,000। लास्ट में आपको लिखना है विवरण लाभ का बंटवारा सही किया, ठीक है। तो आपको ये जो एग्जाम्पल है वो आपकी नोटबुक में लिखने हैं सही तरह से, ठीक है। वापस एग्जाम्पल समझना है और ये सारे एग्जाम्पल लिखने, इसके बाद का जो एग्जाम्पल है वो मैं